कहते हैं यदि पत्रकारिता स्वतंत्र है तो ये सफल लोकतंत्र की पहचान है। एक पत्रकार समाज का आईना होता है जो समाज की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है, उनकी समस्याएं उजागर करता है और साथ ही सरकार की खामियां भी जनता के सामने रखता है ताकि वो सही और गलत का फैसला कर सके। इसीलिए कहा जाता है कि पत्रकार विपक्ष की भूमिका भी अदा करता है। लेकिन जब सरकार पत्रकार की कलम रोक दे, उन पर कानूनी कार्रवाई करने लगे तो ऐसे में सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं और अब ये सवाल अंतरराष्ट्रीय प्रेस संस्थाएं भी उठा रही हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जब बगावत बढ़ने लगी, सच सामने आने लगा, जब जनता सवाल करने लगी और सत्ता पर खतरा मंडराने लगा, तब भाजपा सरकार ने दमन का रुख अपना लिया, जिसका प्रमाण है पत्रकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। एक के बाद एक भाजपा शासित राज्यों में पत्रकारों का दमन हो रहा है, कभी कानूनी कार्रवाई के जरिए तो कभी डरा धमका कर। इन दिनों कई पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें प्रशांत कनौजिया केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन भी शामिल हैं। पत्रकारों पर कानूनी कार्रवाई और उत्पीड़न का मामला खासतौर से यूपी में ज्यादा देखने को मिलता है। इस मुद्दे को कई बार उठाया गया है लेकिन सरकार अपने रवैये से बाज नहीं आ रही है। ऐसे में और अब ये मामला किसी से छुपा नहीं रह गया, इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय दखल भी देखने को मिल रही है। दो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थाओं द इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संयुक्त पत्र लिखकर उनसे ये आग्रह किया है कि वो पत्रकारों के उत्पीड़न को रोकने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। इस पत्र में कहा गया है कि पिछले कुछ महीनों पत्रकारों पर अपना काम करने के बदले आईपीसी के सेक्शन 124A के तहत राजद्रोह के मुकदमे भी लगवाए गए हैं, जिन्हें वापस लिया जाना चाहिए। केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की गिरफ्तारी पर विशेष रूप से चिंता जाहिर की गई है, जो हाथरस केस की रिपोर्टिंग कर रहे थे। पत्र के अनुसार कोरोना महामारी फैलने के बाद पत्रकारों खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उन पर केस किए गए हैं। इन संस्थाओं ने लिखा है कि स्वास्थ्य संकट का उपयोग उन लोगों को चुप कराने के लिए किया जा रहा है जिन्होंने सरकार की प्रतिक्रिया में कमी को उजागर किया है। मगर स्वतंत्र मीडिया का होना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। जाहिर है भाजपा सरकार की दमनकारी नीति का भंडाफोड़ हो चुका है। ऐसे में देखना होगा कि विदेश नीति पर अपनी पकड़ होने का दम भरने वाली मोदी सरकार अपनी छवि बचाने के लिए क्या कदम उठाती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।